छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 75 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 4 या 5 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और सभी विधायक जीत का सर्टिफिकेट लेकर रायपुर आएंगे। वहीं ऑपरेशन लोटस के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि कर्नाटक और एमपी की तरह यहां ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी में चुनाव के बाद सन्नाटा पसर गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 3 तारीख गिनती होगी तो 4 तारीख को संभवतः पूरे हमारे प्रत्याशी रायपुर आएंगे। रायपुर आने के बाद फिर विधायक दल का बैठक होगा, विधायक दल के बाद बैठक के बाद फिर हमारा सरकार बनने के बाद नेतृत्व के लिए आलाकमान निर्णय करेगा। आलाकमान जो निर्णय करेगा सबके लिए मान्य, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और ऐतिहासिक सीटों के साथ कांग्रेस जीत के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को यह मौका नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक दल की बैठक 4 या 5 दिसंबर को रखी गई है। कर्नाटक मध्य प्रदेश की तरह यहां ऑपरेशन लोटस काम नहीं करेगा। बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इस तरह के बातें करते हुए दीपक बैज नजर आ रहे हैं। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा ऑपरेशन लोटस यहां पर नहीं चलेगा और ये बात बीजेपी भी जानती है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हालांकि नतीजे भी नहीं आए हैं, नतीजों का इंतजार है। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि सिंहासन पर आखिरकार कौन बैठने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है और कौन बनेगा सिरमौर। तो पीसीसी चीफ हालांकि दीपक बैज का इस बीच बयान भी सामने आया। हालांकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का ही दावा कर रही हैं, मतदान अब हो चुके हैं और उसके बाद अब तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। तो 3 दिसंबर धड़कन तेज है लगातार और ऐसे में इस बीच अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों का बयान भी सामने आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसी कड़ी में कहते हुए नजर आए कि ऑपरेशन लोटस का यहां पर कोई असर नहीं रहेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ के उनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अलग अलग प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का ये बयान सामने आता है कि उनका ही सिरमौर होने वाला है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है, 2/3 से बड़ी बहुमत से जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में भी किसी षड्यंत्र के लायक नहीं छोड़ा था और अब भी भाजपा को कोई अवसर नहीं मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में चरित्र रहा है, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हाल ही में महाराष्ट्र में जो इनके षड्यंत्र रचे गए थे, जो बेनकाब हुआ है भाजपा का असली चेहरा, लोकतांत्रिक चेहरा, तो कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत स्थिति में है। भूपेश पर भरोसे की सरकार एक बार फिर से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्र, जिस तरह से ईडी और आईटी के माध्यम से ये यहाँ और चुनी हुई सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता हकीकत जानती है और भारतीय जनता पार्टी को कोई अवसर नहीं मिलेगा। इनके सारे षड्यंत्र पहले भी नाकाम हुए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता नकारेगी। ठीक है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजीव जी स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आरोप लग रहा है कांग्रेस से, कह रही कि षड्यंत्र रच रही थी, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा 3 तारीख को, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि षड्यंत्र, तो षड्यंत्र तो कांग्रेस ने किया था 74 में आपातकाल लगाकर। कांग्रेस 100 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का षड्यंत्र किया था। किस मुंह से कांग्रेस के लोग कहते हैं कि षड्यंत्र है? कांग्रेस की अपनी अंदरूनी झगड़ों की वजह से कई बार समित सरकार बनी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों की वजह से शरद पवार अलग हुए, ममता बनर्जी अलग हुए। ये कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, अपने घर को ठीक करना चाहिए। एक कहावत है ना कि आपके अपने सिक्के खोटे हो तो आप दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत दिख रही है और हमारी 2/3 से भी ज्यादा सरकार बनकर आने वाली है और हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है।
सुरेन जी, जिस तरह से बात करें 4 या 5 तारीख को विधायक दल की बैठक भी होने वाली, लेकिन इसके पहले लगातार कांग्रेस समीक्षा कर रही है मतदान के बाद, वो किस तरह की समीक्षाएं हो रही हैं अब? सुरेन जी, आप सुन पा रहे हैं? सामान्य प्रक्रिया है जी। प्रत्येक चुनाव के बाद में अपने प्रत्याशियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होते हैं, प्रभारी होते हैं, वो चर्चा करते रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति इस बात से स्पष्ट होती है कि इनको तो साहस नहीं है कि अपनी पार्टी के अपने चुनाव में जिस तरह से वो लड़े हैं, जिस तरह से उनकी स्थिति रही है, उनकी उपस्थिति रही है, उसको लेकर चर्चा भी कर सके, उसको लेकर समीक्षा भी कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में षड्यंत्रों के आधार पर ही लड़ते रही। कमल छाप के प्रमुख प्रचारक की भूमिका में पिछले 3 साल से ईडी और आईटी ही रहे भाजपा के। सुरेश जी, किस तरह के षड्यंत्र रचती रही बीजेपी? ये लगातार दिखा है कि जो ईडी जो है, रात के अंधेरे में देश के गृह मंत्री आते हैं, शाम को आते हैं, रात भर षड्यंत्र करते हैं, अगले दिन ईडी जो है भाजपा के पटकथा को ट्वीट करके जारी करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी के प्रवक्ता के रूप में बयान देने लगते हैं। राजीव जी, आपका काउंटर? ईडी ने कोल स्कैम पकड़ा, ईडी ने तेलगी का घोटाला पकड़ा, ईडी ने आदर्श घोटाला पकड़ा जिसमें 7,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई, अटैच हुई। तो देश के हित में पैरेलल इकोनॉमी पर जब जब प्रहार होता है तो कांग्रेस तिलमिला जाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी है जिसने सुब्रत सहारा को बर्बाद कर दिया, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने चुनी हुई छोटे छोटे इकाइयों को बर्बाद कर दिया अपने समय में जब अफसरशाही हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी, ईडी का कोई संबंध नहीं, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है पैरेलल। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो सीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जैसे देशभक्त की जो बटालियन है पैरेलल, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उस पर आरोप लगाती है। तो कांग्रेस के आरोप पर हमको कोई सफाई नहीं देना है, उनको जनता को सफाई देना है। वो हमले करते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्स की के ऊपर हमला करते हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाती है। वो कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब जनता के बीच में, लोकसभा में भी देना होगा। और अभी जिस प्रकार से उन्होंने ईडी पर आरोप लगाए, पैरामिलिट्री फोर्स पर आरोप लगाए, तो कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है। और कुछ कहना चाहेंगे? सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे जितने दागी थे वो सारे आज भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेके आरोप लगाती है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होने मजबूर करती है। हाल ही में उदाहरण है, भोपाल की सभा में देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार पर आरोप लगाए, 5 दिन नहीं बीता भाजपा के सहयोग से वो खड़े हो गए। 21 नेता एकनाथ शिंदे के सहित ईडी के आरोपी थे और भाजपा के सहयोगी जब से बने तब से उन पर जांच बंद हो गए। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान कार्रवाई हुई, जो 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 असीम दास जी जो ड्राइवर थे वो भाजपा के कार्यकर्ता निकले, जिस गाड़ी में रकम की बरामदगी हुई वो भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की पाई गई। तो भाजपा की संलिप्तता, भाजपा के षड्यंत्र जो है तमाम उदाहरण है। संलिप्तता, भाजपा का षड्यंत्र, क्या कुछ होता है 3 तारीख को, वो क्या तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेन जी बातचीत करने के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है कि हमारी सरकार बनने वाली है, पूरी भारी मतों से हम जीतने वाले, किसका क्या होगा फिलहाल 3 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। इधर